উপবাস সব ধর্মেই আছে, কিন্তু ইসলাম ধর্মের রোজা আসলে উপবাস এবং কৃচ্ছ সাধন। এভাবেই রোজার অর্থ ব্যাখ্যা করলেন নাখোদা মসজিদের ইমাম মৌলানা মোহাম্মদ সফিক কাসেমি। তিনি আরও বলেন, রোজা মানুষকে ধৈর্যশীল করে তোলে, অন্যায় থেকে সরে গিয়ে ঈশ্বরের ছত্রছায়া থাকার অনুপ্রেরণা যোগায়। कोई इसको फास्टिंग कहते हैं, कोई उपवास कहते हैं, कोई रोज़ा कहते हैं, लेकिन रोज़ा किसी न किसी तरह से हर धर्म में पाया जाता है। आगे अल्लाह कहता है, रोज़ा हमने क्यों फ़र्ज़ किया? ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। उसके दिल में जब आ जाता है कि हमको खुदा देख रहा है, इंसान देखे या ना देखे लेकिन खुदा देख रहा है, तो वो वहाँ क्राइम नहीं करता है। तो जब इंसान रोज़ा को बताया गया कि ये ढाल है, ये सब्र का रोज़ा सब्र है, रमज़ान के महीने में इंसान ट्रेनिंग ले इसकी कि हम तमाम बुराइयों से रोज़ा रख लेंगे, तमाम बुराई को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर देंगे। उर्दू कैलेंडर जो होता है, या तो 29 का होता है या 30 का होता है, ये चांद देख करके ऐलान होता है कि कल पहली तारीख होगी। तो अगर चांद हो गया तो इंशाल्लाह ये 29 का भी रोज़ा हो सकता है, 30 का भी हो सकता है। बांग्लार आवाज़, बांगालीर आवेग, जी 24 घंटा।